दिल्ली में हो रहे शाहीन बाग आंदोलन को लेकर अब गृह मंत्रालय काफी सख्त हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद केजरीवाल और कांग्रेस ने आंदोलनकारियों का खर्चा पानी बंद कर दिया है। ऐसे में अपना किराया भाड़ा और मजदूरी नहीं मिलने के कारण शाहीन बाग के आंदोलनकारी भूखे प्यासे रहने लगे हैं। कुछ राष्ट्र विरोधी नेताओं और मुस्लिम वर्ग ने मिलकर चुनावों तक तो इस आंदोलन को जारी रखा, लेकिन अब चुपचाप किस मुंह से इस आंदोलन को खत्म कर दे। जिन्ना की औलादें और जिन्ना के सौदागर इस आंदोलन में डटे हुए हैं। ऐसे में शाहीन बाग आंदोलन में कम होती भीड़ को देखकर मुसलमानों के ठेकेदारों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए गृह मंत्रालय से संवाद करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अब ऐसे में टुकड़े टुकड़े गैंग के आका अपना मुंह छिपाते हुए फिर रहे हैं। मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने वाले इस आंदोलन में मौजूद लोगों ने केजरीवाल की खूब फ्री वाली बिरयानी खा ली है, लेकिन अब एक बूंद पानी के लिए भी तरस रहे हैं। ओवैसी जैसे नेता अब अपने अपने बिल में जाकर छुप गए हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी शाहीन बाग आंदोलन से अपना पल्ला झाड़ लिया है। अब CAA NRC के विरोध की जगह आंदोलनकारी शाहीन बाग में बैठने का भाड़ा मांग रहे हैं, लेकिन इन्हें अब भाड़ा देने वाला कोई आगे नहीं आ रहा है। जिन्ना की औलादें अब बिल में जाकर के छुप चुकी है। जिन्ना के सौदागर भी अब दूर दूर तक शाहीन बाग में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ऐसे में शाहीन बाग समर्थकों ने चुपचाप घर लौटने की बजाय गृह मंत्री अमित शाह से संवाद कर इस आंदोलन को बंद करने का निर्णय लिया है, लेकिन अमित शाह ने भी ऐसे राष्ट्र विरोधी ठेकेदारों से संवाद करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। दिल्ली की जनता को मुंह दिखाने लायक रहने के लिए आंदोलनकारी गृह मंत्रालय से CAA और NRC में बदलाव की दिलासा लेना चाहते हैं सांत्वना के चलते, लेकिन मोदी सरकार पूर्व में ही CAA और NRC पर अपना रुख साफ कर चुकी है। PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नागरिकता संशोधन कानून पर एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि शाहीन बाग के आंदोलनकारी किस सांत्वना के साथ इस आंदोलन को खुद ही बंद कर देंगे। दोस्तों, आपकी राय के अनुसार दिल्ली के शाहीन बाग आंदोलन का अंत कैसा होगा? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो, अगली अपडेट ऐसी एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।